अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर ध्यान दें, राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें, अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की निगरानी के साथ विकास कार्यों की भी निगरानी करें, विभागीय कार्य करते समय गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, राजस्व कानून के शब्दों ही नहीं उसकी मनसा के अनुरूप निर्णय करें। यदि आपने अपने कार्य और निर्णयों से 10 गरीब का भी भला कर दिया तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले की पूरी आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे कराएं, निजी भूमि की आबादी को भी इसमें शामिल करें, पूरी आबादी भूमि चिन्हित हो जाने पर गरीबों के लिए आवास योजना तथा अन्य कार्यों में जमीन आवंटन में आसानी होगी, गिरदावरी के कार्य की मॉनिटरिंग करें, इसमें वर्तमान में दर्ज आंकड़े सही नहीं है, गिरदावरी में मोटे अनाजों जैसे मक्का कोदो कुटकी तथा दलहन तिलहन फसलों को अनिवार्य रूप से दर्ज करें, जिससे इनके उपार्जन में किसी तरह की कठिनाई न आए। खेती के विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देना है। कलेक्टर ने कहा कि अपर कलेक्टर सभी तहसीलों का निरीक्षण करके राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें, सभी SDM तथा तहसीलदार हर सप्ताह TL बैठक एवं जन सुनवाई प्रभावी रूप से करें, उचित मूल दुकानों का नियमित निरीक्षण करें, खाद्यान्न के आवंटन उठाव परिवहन तथा वितरण पर पूरी नजर रखें। भूमि आवंटन के संबंध में कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के संबंध में 7 दिनों की समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, धारणाधिकार अधिनियम भू स्वामित्व योजना तथा भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों में गरीबी के कल्याण तथा मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय करें। कलेक्टर ने 2-पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के उपयोग को जन जन का अभियान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सलेन सिंह ने कहा कि गत माह निराकृत जाति प्रमाण पत्र के सभी आवेदन जन सेवा अभियान पोर्टल में दर्ज करें, नक्शा विहीन गाँव का नक्शा बनाने तथा राजस्व वसूली के लिए विशेष प्रयास करें, बड़े बकायादारों के विरुद्ध कठोरता से वसूली की कार्यवाही करें। बैठक में नामांतरण बंटवारा सीमांकन राजस्व प्रकरणों तथा CM हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में सभी SDM डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।